इस न जाने रात दिन कहां से इसकी भी टॉयलेट गॉड्स बार बार आ जाया करते थे। इसलिए हम सभी ने फैसला लिया कि अब हर एक इंसान के पास उनका अपना कैमरा मैन होगा। बिल्कुल गाइस, ये देखिए जितने भी शहर में ये कैमरा मैन है हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए लगाए गए। भाई साहब, मैं तो इन सभी का फैन हूँ, इवन मेरे पास भी मेरा पर्सनल गोल्डन कैमरा मैन है। देखिए गाइस, ये आपको ना हमारी गली के हर नुक्के पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये सभी यहाँ पर इसकी भी टॉयलेट गॉड्स से हमारी दुनिया को बचा कर रखते हैं। आज यहाँ पर इतनी भीड़ की लगी हुई है। चलो गाइस, एक काम करते हैं, न्यूज़ देखते हैं भाई कैमरामैन के बारे में और क्या है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, जरा देखें तो सही क्या न्यूज़ है। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? जो हमें बचाने वाला है वही हमको मारने जा रहा है। प्लीज, तुम्हारे पास अगर कैमरामैन है तो उससे दूर हट जाओ, क्योंकि कैमरामैन खराब होकर तुम ही पर हमला करेंगे और तुम्हें मारेंगे। पता नहीं चल पा रहा है कि इसके पीछे कौन है। अरे मेरा कैमरामैन भी मुझे मार रहा है, बचाओ। एक मिनट, ये कैसी न्यूज़ थी? ओ माय गॉड, कुछ भी गाइस, वो न्यूज़ रिपोर्टर बकवास कर रहा था। एक मिनट, ओ माय गॉड, मेरे कैमरामैन को क्या हुआ? अरे अरे फ्रैंकलिन, मुझे बचा, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई तू? ओ माय गॉड गाइस, ये मेरे गोल्डन कैमरामैन को क्या हो गया? भाई तू ऐसा क्यों कह रहा है? एक मिनट दोस्तों, कहीं है उस इसकी ब्रीड टॉयलेट मॉन्स्टर्स की चाल तो नहीं है? ओए मॉन्स्टर्स, तुम कहां पर हो? अरे बाप रे गाइस, यहां तो कोई भी टॉयलेट गॉड नहीं है। ए तुम लोग प्लीज यहां से भागो प्लीज। अरे हमको मार कर रहा है। अरे यार यहां पर ये जो कैमरा है ये खराब हो रहा है। ओ नो 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 नो, मैं शहर वालों को कैसे बचाऊं? ओ भाई तू मारेगा क्या, निकल जाते। अरे यार मैं तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर कैमरामैन आतंक मचाने वाले हैं। ओ नो गाइस, यहां पर शायद जो कैमरामैन मुझे बचाने वाला था वो अब दुनिया को मार रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैमरामैन ने तो हमेशा इंसानों की जान बचाई है, कैमरामैन ईविल कैसे बन गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, अरे कोई हमें बचाओ यार, ये कैमरामैन तो सबके सब हावी हो गए सब पर। अरे बाप रे, बचाओ। अरे सबको मार दो, सबको खत्म कर दो, इंसान हमारे दुश्मन है। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है गाइस, तुम तो हमें बचाने के लिए बनाए गए थे। अरे बाप रे गाइस, जल्दी से प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये एवेंजर्स कहां है? मुझे एवेंजर्स से मदद लेनी होगी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे जल्दी इनको मारना होगा, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इन सभी को किसने हैक कर लिया है, किसने इनका माइंड कंट्रोल कर लिया है। सबको मार दो, इंसान हमारे दुश्मन है। अरे बाप रे, कैमरामैन से मेरी बात सुन लो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा गाइस, ये बहुत सारे हैं। ओ नो यार, हमने तो सोचा ही नहीं कभी कैमरामैन भी हमें धोखा दे सकता है। ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट गाइस, वो तो मेरा मास्टर है। गाइस आपको याद है जब दुनिया पर टॉयलेट गॉड्स ने हमला कर दिया था, तो यहां पर मेरे मास्टर ने मुझे बड़ा वाला कैमरामैन बनाया था, जिससे मैंने अपनी दुनिया को बचा लिया था। शायद मेरा मास्टर फिर से मेरे को कहेगा, अरे सर मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ फ्रैंकलिन, सब ठीक है? अरे सब कुछ गड़बड़ हो गई है, सारे के सारे कैमरामैन पागल हो गए और वो इंसानों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कैमरामैन तो इंसानों को बचाने के लिए बनाए गए थे। वही, एक मिनट, स्किबड़ी जल्दी इसके अंदर जाता हूं और यहां पर इसका दिमाग खाकर खुद ये बन जाता हूं। एक मिनट गाइस, ये रेड स्किबड़ी टॉयलेट किस चीज की बात कर रहा है? ओ माय गॉड, ये तो मेरे मास्टर के बॉडी के अंदर घुस गया। अरे फ्रैंकलिन मुझे बचा, मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है। स्किबड़ी, अब यहां पर हमारे इंसान दुश्मन है, इसलिए कैमरामैन तू हमारे साथ है। नहीं 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 नहीं, ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस, यहां पर जितने भी कैमरामैन हैं उन सभी के बॉडी के अंदर स्किबड़ी टॉयलेट घुस गए और उसके बाद इनके माइंड को ऑपरेट कर रहे हो। अरे ये तो बहुत गंदा वायरस है, मुझे इसके बारे में जल्दी एवेंजर्स को बचाना पड़ेगा। मेरे मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अरे बाप रे आपको बचा लूंगा। ओ नो, ये क्या, इंसान हमारे दुश्मन है, हम सबको मारेंगे। और ये तो वही बातें कह रहे हैं जो वो स्किबड़ी टॉयलेट इसको सिखा रहा था। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, कैमरामैन तो इंसान को बचाने वाले थे, ये तो हैवान हो गए। गाइस मुझे जल्दी यहां पर कैमरामैन को लेकर कुछ करना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं जल्दी एवेंजर्स के पास जाता हूं। गाइस मैं उम्मीद करता हूं यहां पर एवेंजर्स ठीक हो। स्किबड़ी मार दो सबको, बिल्कुल मार दो, इंसान हमारे दुश्मन है। ओ नो, ये सारे कैमरामैन तो मेरे पीछे पड़े हैं। अरे यार मेरे को छोड़ दो। कोई नहीं, अब तो मैं स्टार्क मेंशन। एक मिनट, ये क्या, ओ माय गॉड, यहां पर ये इतना बड़ा, ओ भाई साहब, यहां पर व्हाइट कैमरामैन है, इतने बड़े-बड़े कैमरामैन है, इसके अंदर कौन है? अरे बाप रे, हमें कोई बचाओ, ये तो टोनी स्टार्क की आवाज है। इन लोगों ने एवेंजर्स के साथ क्या किया? स्किबड़े, अब कैमरामैन की आर्मी हमारे साथ है। ये, ओ नो, ये क्या, मेरे को मार दिया, हल्का भी मारा। नहीं 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 गाइस, ये क्या, यहां पर सिंचन पिंचन जॉब और एवेंजर्स को ऑलरेडी यहां पर पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है इस खतरनाक स्किबड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर ने और कैमरामैन की आर्मी ने। ये क्या हो गया? एक मिनट, और इसके अंदर, ओ माय गॉड, इसके अंदर तो और भी कैमरामैन है। हम लोग तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगे, हमें बचाओ। ओ माय गॉड, लगता है गाइस जो इस जाल के अंदर बंद है वो अभी भी इस वायरस से इंजेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इनको अभी भी बचा सकता हूं। लेकिन कैसे बचाऊं यार, इनकी आर्मी तो बहुत बड़ी हो चुकी है। उसके बड़े हा, अब हमारे दुश्मन ही हमारे दोस्त बनेंगे, बस ये स्पीकर मैन हमारे काबू में नहीं आ रहा है। उसके बड़े ओ तो गाइस, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी कैमरामैन को ही काबू में करने की इन्होंने कोई खतरनाक वायरस बनाई है, लेकिन यहां पर स्पीकर मैन को नहीं।
निकल जा यहाँ से फ्रैंकलिन, तू हमारा दुश्मन है। अरे बाप रे, कैमरामैन ने तो कमर तोड़ दी मेरी। अरे बाप रे गाइस, मुझे जल्दी मेरे दूसरे बॉस स्पीकर मैन को ढूंढना होगा। गाइस मैंने स्पीकर मैन से भी मदद ली थी एक बार जब कैमरामैन हार गए थे इसकी भी टॉयलेट कॉर्ड से। एक मिनट दोस्तों, ये तो मेरा बॉस टॉयलेट मास्टर को हराने वाला खतरनाक स्पीकर मैन है। स्पीकर मैन, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं फ्रैंकलिन। यहाँ पर मेरे सारे दोस्तों को इन खतरनाक टॉयलेट गॉड्स ने और कैमरामैन ने पकड़ लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर स्किबरी टॉयलेट गॉड ने उनके माइंड को तो कंट्रोल कर लिया, आप क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर हमारा माइंड कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है बच्चे, प्लीज यहाँ पर सबको बचा ले। लेकिन मैं कैसे बचाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। एक तरीका है, मैं तुझे यहाँ पर और भी ताकतवर स्पीकर मैन बनने का मौका देता हूँ, फिर तू यहाँ पर एंटीडोट ढूंढ के सबको बचा लेना। व्हाट? अरे बाप रे, एक मिनट गाइस, मुझे तो यहाँ पर मेरे मास्टर ने एक स्पीकर बना दिया है भाई साहब, और मेरे ऊपर तो 3 खतरनाक कॉलम लगे पड़े हैं। क्या भाई साहब, एक मिनट, क्या मेरे पास सुपर पावर्स हैं? बिल्कुल बच्चे, चेक करके देख। गाइस सबसे पहले हम अपने साउंड की ताकत से दूर दूर का सुनकर देखते हैं। एक मिनट, मुझे मिलिट्री बेस से आवाज़ आ रही है। मेरे बच्चे, तुझे जो आवाज़ आ रही है वो एक खतरनाक मुसीबत की है। किस मुसीबत की? वो एक 3-हेडेड कैमरामैन बना रहे हैं। 3-हेडेड कैमरामैन, उसकी 3 बॉडी है, और यहाँ पर रेड इसकी टॉयलेट मॉन्स्टर और भी ताकतवर होने के लिए मिलिट्री बेस पर ये काम कर रहे हैं। तुझे मिलिट्री बेस जाना होगा और यहां पर इन सारे के सारे स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर्स को हराने के लिए उस 3-हेडेड कैमरामैन को तबाह करना होगा। और हां, ध्यान रखना, वहां पर तुझे एक खतरनाक स्पेशल स्पीकर भी मिलेगा। ओ भाई साहब, मतलब मैं उसका इस्तेमाल करके अपग्रेड हो सकता हूं? बिल्कुल बच्चे, लेकिन तुझे जल्दी करना होगा, इससे पहले कि 3-हेडेड जायंट कैमरामैन बन जाए तुझे उसको तबाह करना होगा। ठीक है ठीक है, मैं यहां पर जाता हूं। गाइस मुझे अब सबसे बड़ा, पहले से भी बड़ा स्पीकर मैन बनना होगा, और अब सिर्फ और सिर्फ स्किबरी टॉयलेट हमारे दुश्मन नहीं है, अब तो कैमरामैन भी है। मैंने कभी सोचा नहीं था स्किबरी, ये कौन मारा मेरे को? अरे बाप रे, ये कौन है? गाइस मैं यहाँ पर इस रेड कैमरामैन को छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, ये कैमरामैन नहीं है, ये तो स्किबरी टॉयलेट है। स्किबड़ स्किबड़ ये ले। अरे बाप रे गाइस, ये तो बहुत ही खतरनाक निकला। स्किबड़ स्किबड़, बहुत जल्द हम लोग तुम्हारे दिमाग में भी घुस जाएंगे और तुम्हारा दिमाग भी भूसा बना देंगे इन कैमरामैन की तरह। ऐसा नहीं है, स्पीकर मैन कभी भी तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे। गाइस मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे बाप रे, मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा किसी भी हालत में इस खतरनाक 3-हेडेड कैमरामैन को बनने से रोकने के लिए। मेरे पास एक आइडिया गाइस, मैं क्यों ना अपने साउंड की ताकत इस्तेमाल, मतलब मैं यहां पर एक साउंड डैमेजिंग अटैक डालूंगा जिससे कि यहां पर सबके सब फट जाएंगे। 1, 2, और 3। ओ भाई साहब, मैंने यहां पर साउंड ब्लास्ट कर दिया, क्या खतरनाक था। अरे स्किबड़ी स्किबड़ी, कान फट गए मेरे तो। गाइस देखा, यहां पर स्पीकर होने का फायदा, यड़े आई, ये लोग मेरा माइंड कंट्रोल करने वाले। ऑलराइट दोस्तों, अभी तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास कौन कौन सी पावर है जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी फैमिली को बचा सकता हूं और कैमरामैन को भी। गाइस चलो एक काम करते हैं, इस वाले बड़े वाले कॉलम्स एंड स्पीकर्स को ना अपने बॉस के पास लेकर चलते हैं, क्या पता वो मेरे को इस बार बड़ा वाला स्पीकर मैन बना दे, फिर शायद मैं वेंचर्स को बचा लूंगा, या फिर ऐसी दवाई ढूंढ लूंगा जिसके इस्तेमाल से कैमरामैन बच सके। अरे वाह बच्चे, फ्रैंकलिन तूने अपना काम कर दिया। अरे बिल्कुल, बड़ी मुश्किल में कर पाया, लेकिन आप प्लीज जल्दी मुझे अपग्रेड कर दीजिए। ठीक है बच्चे, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। गाइस आप लोग ना तब तक प्लीज वीडियो लाइक कर दो और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब। ओ भाई साहब, मैं यहां पर ब्लू जायंट स्पीकर मैन बन गया, हालांकि मेरी बॉडी छोटी है, बट भाई साहब मेरा हेड देखिए गाइस, क्या खतरनाक स्पीकर से भरा पड़ा है। अब मैं क्या कर सकता हूं? तो इसका इस्तेमाल करके सुपर फास्ट स्पीड कर सकता है। ओ माय गॉड, मैं यहां पर लिटरली में फास्टर देन साउंड की स्पीड से भाग पा रहा हूं, हालांकि मैं खुद एक स्पीकर हूं, लेकिन दोस्तों इतने सारे स्पीकर्स के होने की वजह से मेरी स्पीड दुगनी तिगनी हो गई है साउंड से, इसलिए देखिए क्या ही स्पीड बना के रखी है मैंने, मेंटेन करके रखी है। ऑलराइट दोस्तों, चलो अब एक काम करते हैं, जल्दी से यहां पर ना अपने साउंड की और स्पीड चेक करते हैं। वाह, मैं अपने लिटरली हाथों से साउंड रेस छोड़ सकता हूं, क्या खतरनाक रेस है। अगर कोई इनके सामने आ जाए तो उसके तो कान ही ब्लास्ट हो जाए, इतनी तेजी के साउंड होंगे ये लिटरली में, किसी को पता भी नहीं होगा। गाइस अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे बचाऊं। मेरे बच्चे, तेरी फैमिली को बचाने का एक तरीका है। क्या तरीका? तुझे असल में एक एंटीडॉट वाली गन लानी होगी। गन? इसका मतलब यहां पर सबको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन वो गन इन खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड्स के पास है, ये रही। इसी गन का इस्तेमाल करके तू किसी को भी यहां पर कैमरामैन को या किसी भी इंसान को जो उनके काबू में आ चुका है बचा सकता है। अरे बाप रे, लेकिन यार यहां पर मैं स्पीकर मैन को बचाने तक और एवेंजर्स को बचाने तक पहुंचूंगा कैसे, यहां पर इनकी आर्मी है। मेरे बच्चे तुझे जल्दी करना होगा। अजी बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है। एक मिनट गाइस, यहां पर सिंचन एंड टोनी स्टार्क जिंदा है, मैं तो भाग रहा हूं ऐसे। स्किबड़े रुक जा वरना हम तेरे को मार देंगे बच्चे, ये ले और ये ले। अरे बाप रे गाइस, अब तो एक कैमरामैन भी स्किबड़ी स्किबड़ी बोलना शुरू कर दिया। अजी बाप रे, कैमरामैन भैया आप हमें क्यों मार रहे हो? आप तो फ्रैंकलिन भैया के दोस्त हो। नहीं 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 सिंचन, वो अब हमारे दोस्त नहीं दुश्मन बन गए। कोई नहीं दोस्तों, मैं यहां पर जल्दी अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लूंगा, बस वो गन तो मुझे मिल जाए। सबसे पहले मुझे यहां पर किसी भी हालत में वो गन चाहिए, तभी उसके बाद
दोस्तों, मैं यहाँ पर इस जाल के अंदर जाकर अपनी आर्मी खड़ी करूंगा, उन सबको बचाऊंगा जो इस जाल के अंदर बंद पड़े। यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ आइडिया गाइस, क्यों ना मैं यहाँ पर साउंड बैरियर इस्तेमाल करूं। ये देखिए गाइस, ये खतरनाक साउंड बैरियर, अब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन या फिर सुपर विलन मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मैंने अपनी बॉडी पर साउंड बैरियर लगा लिया है। इसके बड़े मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर है लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है। रुकिए बॉस, मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर बता दूंगा, मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता, मैं आखिरकार कैमरामैन जो रहा डोंट। अरे बाप रे, ये कौन है? ओ नो 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 यार, मैंने तो सोचा ही नहीं यहाँ पर कैमरामैन की टीम में और कैमरामैन मेरे को देख सकते हैं। अबे भाई कैमरामैन, मैं तुमको बचाने आया हूँ, तू हमारा दुश्मन है। अरे नहीं यार कैमरामैन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे बाप रे गाइस, मुझे इसको जल्दी रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं तुझे यहाँ से गायब कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं तेरा बैरियर हटा दूंगा। नो गाइस, इसने मेरा साउंड बैरियर हटा दिया, अब यहाँ पर मेरे को सब देख पाएंगे। उसके बड़े और ये गन लेने आया है। अच्छा बेटा, अब तो मैं गन ले भी लूंगा। चलो गाइस, मैंने गन ले लिया, जल्दी भागते हैं, जल्दी। आइडिया, क्यों ना सबसे पहले इस पे ट्राई करूं। वाह, मैंने कैमरा पे जैसे शूट किया, देखिए अब यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये हमको क्या हो रहा है? उसके बड़े कोई से गन छीनो वरना ये हमारी आर्मी को तबाह कर देगा। ए स्पीकर मैन, तू मरेगा। अरे फ्रैंकलिन, हम यहाँ पर लड़ क्यों रहे हैं? अरे भैया, क्या तू ठीक हो गया कैमरामैन? मुझे क्या हुआ था? खैर वो बात छोड़, और उसके बड़े तुम्हारी बैंड बचा देंगे। अरे फ्रैंकलिन, ये क्या हो रहा है? अरे मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पर ये टॉयलेट को रिक्शा से पागल क्यों गए। इसके बड़े यहाँ पर इस स्पीकर मैन को और कैमरामैन को मार दो, अब हम इनको आर्मी में नहीं लेंगे, इनको खत्म करेंगे। बिल्कुल सही कहा इसके बड़े मुझे जल्दी से यहाँ पर सारे के सारे स्पीकर मैन और कैमरामैन को। एक मिनट, ये क्या? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा स्पीकर साउंड बेस है। अरे बाप रे, तो मुझसे 3-4 गुना ज्यादा बड़ा है। सोचिए गाइस, अगर ये मेरी बॉडी पे लग गया तो मैं कितना खतरनाक बन जाऊंगा। मुझे जल्दी अपने बॉस के पास चलना पड़ेगा। क्या हुआ बच्चे, सब कुछ ठीक है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर इस बार ना उन स्किबिडी टॉयलेट गॉड ने फैसला कराया स्पीकर मैन एंड कैमरामैन दोनों को मारने का। आप प्लीज जल्दी से मुझे इसमें अपग्रेड कीजिए जिससे मैं सबको बचा पाऊं। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर अब जो मेरे बॉस है वो मुझे जायंट स्पीकर मैन बनाने वाला है। कम ऑन फ्रैंकलिन। ओके गाइस, मैं यहाँ पर व्हाइट जायंट स्पीकर मैन बन चुका हूँ और अब आपको आइडिया भी नहीं है कि मैं यहाँ पर उस बेकार से स्किबिडी गॉड टॉयलेट के साथ क्या करने वाला हूँ और उसके सारे साथियों के साथ भी। सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने साथियों को रिहा करना होगा। इसके बड़े अरे वो स्पीकर मैन आ गया, ये तो बड़ा होता जा रहा है। अरे इसके बड़े ये तो हमें मार रहा है। अरे बॉस, हमें बचाओ। अरे नहीं इसके बड़े ये क्या हो रहा है? अरे मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम लोगों को इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा। आइडिया, क्यों ना गाइस मैं यहाँ पर अपने साउंड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करूँ। अरे इसके बड़े कान फाड़ दिए हमारे। गाइस अब देखिए, यहाँ पर तो जितने भी कैमरामैन थे वो सबके सब हमारी टीम में आ गए। अरे हाँ बच्चे, मैं तेरे साथ आ गया फ्रैंकलिन। गाइस क्या बात है, अब तो हमारी टीम बढ़िया हो गई और जितने भी यहाँ पर बुरे थे, इसके बड़े तो मुझे नहीं हरा पाएगा, मैं इस बार और भी बड़ी आर्मी के साथ आऊंगा। और बाप रे, मैं तुझे भी अपने काम कर लूंगा। ये ले साउंड रेस। ऑलराइट गाइस, मैंने उसको अपनी साउंड रेस से इतनी दूर फेंका कि कम से कम 2-3 महीने तो उठ नहीं पाएगा। लेकिन एक मिनट, अवेंजर्स तुम लोग जिंदा हो क्या? अवेंजर्स प्लीज कुछ तो बोलो। अब है फ्रैंकलिन, हम ठीक है। और ये ले, एक मिनट, ये क्या चीज है? भाई हमने तेरे लिए बना कर रखा था दुनिया का सबसे बड़ा साउंड स्पीकर बेस्ड। ओ भाई साहब, बिल्कुल बच्चे यहाँ पर तू ले ले इसको, बिल्कुल हल्क यहाँ पर तुझे देना चाहता है। फेंकी भैया, ये आपके लिए है। भैया आप इसके हकदार हैं। गाइस अब मैं यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जायंट स्पीकर मैं बनने वाला हूँ। भाई साहब ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके गाइस, जस्ट लुक एट मी, मैं यहाँ पर जैसे इस पोर्टल के अंदर आया, यहाँ पर जो साउंड है वो मेरी बॉडी से अटैच हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं कितना ही ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है ना वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।